told me every secret. Said that I care, I still, you mean it. It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. And now I'm like staring at the ceiling. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है होंडा सी G125 के सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट के ऊपर। होंडा सी G125 सिंपल जो है उसका मैंने रिव्यू कर दिया है और मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बाइक मैंने के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। होंडा सी G125 का जो स्पेशल एडिशन है अभी आपके सामने, इसका ब्लैक कलर है। इसका एक गोल्ड वेरिएंट भी है, वो इंशाल्लाह जब अवेलेबल होगा तो उसका रिव्यू बनाएंगे। आज हम करेंगे सिंपल होंडा सी G125 सेल्फ स्टार्ट का रिव्यू, और इस रिव्यू के अंदर हम इस बाइक की चेंजेस को देखेंगे, इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स और इस बाइक की प्राइस क्या चल रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरा वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं मीटर के साथ। अब मीटर आप देख सकते हैं इस बाइक का, कि इस बाइक का जो मीटर है वो आपको सेम टू सेम होंडा सी G125 वाला मिल रहा है, और सेम आपको चेंजेस मिलती हैं जिस तरह होंडा सी G125 के अंदर उन्होंने चेंजिंग की है। अगर हम असेंबलीज की बात करें तो असेंबलीज में आपको राइट साइड के ऊपर वही एक छोटा सा सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं हेडलाइट ऑन ऑफ है, हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट है, और आपको हॉर्न इस बाइक के अंदर अवेलेबल मिलेगा। अब अगर बाइक के फ्रंट पे आ जाएं तो फ्रंट आप इस बाइक का देख सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पे सेम होंडा सी G125 सिंपल वाला ही डिज़ाइन मिलेगा। फ्रंट पे ऐसी कोई चेंजिंग नहीं की गई। फ्रंट पे आपको जो हेडलाइट है उसके अंदर भी सेम टू सेम बल्ब मिल जाएगा सिंपल। फ्रंट पे आपको जो मोनोग्राम है वो चेंज मिलेगा, मोनोग्राम में चेंजिंग की गई है जिस तरह होंडा सी G125 के अंदर चेंज किया गया मोनोग्राम। फ्रंट पे जो आपको शॉक्स मिलते हैं उसकी क्रोम की जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी आपको चेंज मिलती है, और मटेरियल इसको थोड़ा सा बेहतर किया गया है। इसके बाद आपको जो फ्रंट टायर है वो 2.50x18 का फ्रंट टायर मिल जाता है, 18 इंच के स्पोक रिम्स हैं, और फ्रंट पे बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिलती है। जो इसका ब्रेक हब है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है और इसका मटेरियल चेंज किया गया है। इसके बाद अगर हम आए बाइक के टैंक की तरफ तो आपको मेन चेंजिंग टैंक के अंदर मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि नए ग्राफिक्स आपके सामने हैं इसके होंडा सी G125 SE के अंदर। अब आपको ये सिंपल से नए ग्राफिक्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ब्लू कलर, वाइट कलर और येलो कलर की एक लाइनिंग मिल जाएगी। और बाइक के अगर आप साइड कवर्स के ऊपर देखें तो साइड कवर्स के ऊपर आपको अब क्रोम एडिशन लिखा हुआ मिल रहा है। अब इन्होंने एडिशन डिफरेंट कर दिया है, एक गोल्ड एडिशन होगा इनका, एक है क्रोम एडिशन, और आपके सामने इस वक्त क्रोम एडिशन है इस बाइक का। इस बाइक के अगर हम टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो बाइक के टैंक की कैपेसिटी आपको सेम 9.2 लीटर्स की मिल जाएगी जितनी आपको होंडा 125 सिंपल के अंदर मिलती है। और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो पेट्रोल एवरेज आपको वही 35 से 40 तक, अगर आप नॉर्मल चलाते हैं तो 30 से 35 तक मिलेगी, अगर आप बहुत ही स्लो चलाते हैं तो आपको 40 तक मिल सकती है। इसके बाद बाइक की अगर हम सीट को देखें तो सीट आप देख सकते हैं, बाइक की जो सीट है वो आपको सेम टू सेम 125 जैसी ही मिलेगी। 125 की जिस तरह इन्होंने सीट की पोशिश चेंज की है उसी तरह अब आपको सीट की पोशिश होंडा सी G125 SE के अंदर भी चेंज मिलेगी। फ़र्क यह है कि CG125 उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलता था, इसके अंदर आपको CG125 SE लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद अगर हम आए इंजन की तरफ तो आपको सबसे ज़्यादा चेंजेस इंजन के अंदर मिलती हैं। इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। ओवरहेड वाल्व होने के साथ साथ बाइक के अंदर आपको 5-गियर ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से बाइक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है होंडा सी G125 से। इसके अंदर जो आपको कंप्रेशन रेशो मिल रही है वो 9.0:1 है। बाइक का बोर है 56.5 mm, बाइक का स्ट्रोक है 49.5 mm। बाइक के अंदर आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको जो इसकी सीट हाइट मिल रही है वो 765 mm है, और ग्राउंड क्लीयरेंस इस बाइक की 133 mm है। इस बाइक के अगर हम टॉप स्पीड और पिकअप की बात करें तो पिकअप वाइज ये बाइक ऑलमोस्ट होंडा सी G125 जैसे ही है। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड में आपको इसकी 110 से 115 तक की मिलती है मैक्सिमम, और टॉप स्पीड जब आप इसकी मार रहे होते हैं तो 100 से ऊपर 5वें गियर में ये बाइक थोड़ा सा स्मूथ होता है, अगर आप इसको सिंपल होंडा सी G125 के साथ कंपेयर करें। क्योंकि सिंपल होंडा सी G125 के अंदर आपको 4 गियर मिलते हैं, इसी वजह से जब वो 100 से ऊपर जाता है तो अच्छा भला वाइब्रेटर मशीन बन जाती है वो। लेकिन इस बाइक में 5वां गियर अवेलेबल है तो बाइक जब 100 से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। बाकी इस बाइक के इंजन के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स कुछ की गई हैं, थोड़ा सा इसको इंजन को बेहतर किया गया है। और उसके अलावा अब हम अगर बाइक की बैक साइड पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं बाइक के अंदर आपको फुल चेन कवर मिल रहा है, और क्वालिटी सेम टू सेम जैसे पुराने मॉडल की थी वैसी सेम टू सेम रखी गई है। बाइक के अगर आप शॉक्स को देखें तो बैक पे आपको स्विंग आर्म शॉक्स मिल रहे हैं, और बाइक के अंदर आपको जो बैक टायर मिल रहा है ये 300 का बैक टायर है, 17 इंच के स्पोक रिम्स हैं, और बैक पे बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक है। और बाइक की ड्रम ब्रेक्स जो हैं उसको इम्प्रूव किया गया है। बाइक की आप बैकलाइट देख सकते हैं कि बैकलाइट वाली साइड पे आपको कोई चेंजिंग नहीं मिल रही, बैकलाइट से सेम टू सेम आपको मिलता है, और बैक जो मडगार्ड है वो भी सेम है इसका।
इसके बाद बाइक का आप साइलेंसर देख सकते हैं कि साइलेंसर के ऊपर आपको क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड मिलती है और सेम साइलेंसर है जिस तरह पुराने मॉडल का है, तो आपको साउंड में डिफरेंस नहीं मिलेगा, साउंड आपको सेम टू सेम मिलेगा। अगर आपके पास 2023 मॉडल है या 22 मॉडल भी है होंडा सी जी वन स्पेशल एडिशन का, तो साउंड आपको उसका और इस 2024 मॉडल का सेम टू सेम ही मिलेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं चेंजेस की, आपको चेंजेस क्या क्या मिल रही हैं। अब इसमें सबसे पहले चीज़ थी मीटर। मीटर आपने देखा है कि मीटर आपको क्रोम एडिशन के अंदर चेंज मिलता है, जिस तरह होंडा सिटी 125 के अंदर चेंजिंग की गई है मीटर के अंदर, वैसे ही आपको इसके मीटर के अंदर चेंजिंग मिलती है। दूसरी चेंज आपको मिलती है इस बाइक के मोनोग्राम के अंदर, जो बाइक का मोनोग्राम है वो चेंज किया गया है। बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं उसका जो क्रोम है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्रोम की फिनिशिंग चेंज की गई है, बेहतर की गई है पहले से। और बाइक के जो फ्रंट पे आपको हब्स मिल रहे हैं, इसके अंदर जो आपको हब मिलता है फ्रंट पे और बैक पे, उसका साइज़ पहले से ही इंक्रीज़ किया गया था। होंडा सिटी 125 SE के अंदर जो इसका लास्ट मॉडल आया था उसमें इन्होंने इसका जो हब है उसको इंक्रीज़ किया था ताकि ब्रेकिंग इसकी बेहतर हो जाए। और अब 2024 मॉडल के अंदर इन्होंने हब को साइज़ वाइज छेड़ा नहीं है, साइज़ इसका सेम टू सेम है जैसे आपको पुराने मॉडल का मिलता है, लेकिन इसका जो मटेरियल है उसको चेंज किया गया है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़्यादा इसकी लाइफ बन जाए। इसके बाद आपको जो चेंजिंग मिलती है वो आपको मिलती है इसके टैंक के अंदर। आप टैंक पे आपने देखा है कि नए ग्राफिक्स आपको मिलते हैं इसके अंदर। उसके अलावा साइड कवर्स के ऊपर आपको जो है चेंजिंग मिलती है, साइड कवर्स पर पहले नहीं लिखा होता था क्रोम एडिशन, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने गोल्ड एडिशन अलग से निकाला है तो इन्होंने अब क्रोम एडिशन लिख दिया है साइड कवर्स के ऊपर। अब इसके साइड कवर्स के ऊपर आपको क्रोम एडिशन लिखा हुआ मिलेगा। उसके अलावा जो इसकी सीट है उस पर अब आपको CG लिखा हुआ मिलेगा, और सीट का जो कवर है, सीट की पोशिश वो चेंज की गई है। बाकी ज़ाहिरी चेंज आपके सामने और कुछ नहीं है, बस वही मोनोग्राम, मीटर, ग्राफिक्स, सीट, यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़ाहिरी मिलती हैं। बाकी अंदर से इन्होंने कुछ ना कुछ चेंज किया है, इसके अंदर भी थोड़ी बहुत ही चेंजिंग की है, इसको इम्प्रूव किया है ताकि इसकी लाइफ बेहतर हो। होंडा सिटी 125 SE के अंदर इन्होंने लाइफ बेहतर करने की कोशिश की है, पार्ट्स की क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर करके, ताकि पार्ट्स इसके जो हैं लॉन्ग लास्टिंग हो, बाइक के पार्ट्स जल्दी ख़राब ना हो, और बाइक के पार्ट्स का जो पेंट है उसको भी चेंज किया है। जिस तरह आपको फ्रंट शॉक्स का क्रोम चेंज मिलता है, इसी तरह इन्होंने पेंट में भी थोड़ी सी चेंजिंग की है ताकि जल्दी रस्टी ना बन जाए। सो गाइस, ये तो था इस बाइक का एक रिव्यू। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इस वक्त जो होंडा सिटी 125 SE की आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है तकरीबन 282,900 रुपये, 282,900 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है। और ये प्राइस कब तक है कुछ पता नहीं है, हो सकता है ये 3 से 4 दिन तक चेंज हो जाए, क्योंकि 15 के बाद ये चेंज कर देते हैं मोस्टली। इस बार इन्होंने क्योंकि बाइक लॉन्च किया है तो थोड़ा सा डिले कर दिया है, लेकिन डिले ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम हफ्ते का या 1.5 हफ्ते का डिले होगा। तो जल्द अज़ जल्द अगर आपने बाइक परचेस करना है तो जल्द अज़ जल्द परचेस कर लें, आपको सेम 282,900 में मिल जाएगा अभी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक मैंने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।